अभी मैं एप्पल स्टोर के बाहर खड़ा हूँ बनाना ड्रेस में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मैं एप्पल स्टोर जाता हूँ बनाना ड्रेस पहन के तो क्या होगा। क्या ये मुझे निकाल देंगे, क्या ये मुझे हक करेंगे, क्या ये मुझे अपने साथ पार्टनर बनाएंगे, या फिर क्या ये पुलिस बुला लेंगे। चलो चलते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ बनाना ड्रेस पहन के। डर लग रहा है मुझे। अभी मैं जा रहा हूँ एप्पल स्टोर में, चलते जा रहा हूँ। जाओ, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। गाइस अगर मेरी दिल की धक धक सुनोगे तो बहुत ऐसा धक धक फील होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, स्टार्ट किया ना, देखते हैं क्या होता है। हेलो, माय नेम इज बनाना। माय गॉड, कभी भी किसी ने एप्पल और बनाना को हाथ मिलाते हुए देखा है क्या? मैं एप्पल स्टोर आया हूँ बनाना ड्रेस पहन के, क्योंकि मेरे दिमाग में मैं सोच रहा था कि अगर मैं एप्पल स्टोर आता हूँ बनाना ड्रेस पहन के तो क्या होगा। क्या है आपके विचार? मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कोई नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है, थैंक यू सो मच। कुछ बोलोगे क्या? फर्स्ट देखने से आपको बहुत क्रेजी लगा और फनी लगा, हम वेट कर रहे थे आपको कि शायद आप आएंगे या नहीं। थैंक यू सो मच। क्या सोचा था क्या हो गया? गाइस, ओ माय गॉड, मैं सोच रहा था कि मैं एप्पल स्टोर के अंदर जाऊंगा और वो मुझे ऐसे भगा देंगे, पर उसका पूरा उल्टा हो गया। एंड तभी मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हिंदी आती है? मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, मतलब आइडिया तुम बताना कैसा है। ठीक है, जैसे एप्पल स्टोर होता है वैसे मैं बनाना स्टोर खोलूं। हाँ, ये तो आइडिया तो बहुत अच्छा है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद का बनाना स्टोर खोलूं। मस्त आइडिया है, खोल लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, हिंदी आती है? नहीं है। नहीं आती है? मारो मुझे, मारो मुझे। उसने मेरे को बोला कि उसे हिंदी नहीं आती है। कितना झूठ बोलते हैं आजकल लोग। आइडिया कैसा है? अच्छा है आइडिया, मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि मैं बस नहीं बात करनी आपसे। आपको कैसा लगा आइडिया? अच्छा लगा आइडिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सब लोग हाँ बोल रहे हैं आइडिया के लिए। वो कट कर दूंगा मैं, पर अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एक असली स्टोर खोलूंगा जिसका नाम होगा बनाना स्टोर एंड उसमें मैं केले बेचूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बनाना स्टोर, जहाँ पे मैं सब कुछ सिर्फ एक रुपए में बेच रहा हूँ। ऐसा मस्त लग रहा है ना। मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी मैं ही हूँ एंड ये भी मैं ही हूँ। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने एक बनाना स्टोर कैसे खोल दिया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक असली शॉप खरीदूं या एक्चुअली दुकान मैंने रेंट पे ली है, तो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, बट अभी मैं सिर्फ यही अफोर्ड कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने केले का धंधा शुरू किया, एक के बाद एक सारे लोग आने लगे। ओ माय गॉड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पहले कस्टमर। Pleasure doing business with you. और गाइस एक और चीज, ये सारे केले मैंने रिलायंस से लिए। आज सुबह मैं रिलायंस गया था ये सारे के सारे केले खरीदने के लिए एंड जितने भी थे वहाँ पे मैंने सारे केले वहाँ से ले लिए। हाय गाइस, यहाँ पे बहुत लिमिटेड केले हैं, तो फिर जितने भी केले हैं मैं सारे ले रहा हूँ यहाँ पे, थोड़े से और बचे हैं। Hi. Hi. पता नहीं कौन सा है, मैं सिर्फ उठा के लेके आ गया। जैसे मैं एप्पल स्टोर गया था और फिर वहाँ से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं बनाना स्टोर खोल सकता हूँ, जैसे एप्पल स्टोर है वैसे बनाना स्टोर। तो अगर ये लोग जितने भी देख रहे हैं सब कमेंट करेंगे आई लव बनाना, तो क्या पता मैं पूरे इंडिया में अपनी फ्रेंचाइज खोलूं जिसमें मैं सब कुछ एक रुपए का बेचूं। नो मनी, हाउ कैन आई टेक मनी? पैसे ज्यादा लो। पैसे ज्यादा नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैं फ्रॉड बिजनेसमैन नहीं हूँ विजय माल्या की तरह। दो शब्द आपके मुँह से। बाबू बोला क्या? बाबू डिस्काउंट। अभी इस पॉइंट पे मैं केले का धंधा कर रहा था एंड मुझे दो चीजों का काफी ज्यादा दुख हुआ। सबसे पहले 80% से भी ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज अपने हाथों से या फिर अपने मुक्के से सब्सक्राइब बटन को मार दो। एंड दूसरा, मेरे दुकान में कोई आ नहीं रहा था तो मुझे बाहर जाना पड़ा। गाइस, डू यू लाइक बनाना? आई एम बनाना मैन एंड आपके लिए फ्री बनाना है। थैंक यू फॉर द बनाना। वेलकम ब्रो। अभी इस पॉइंट पे मेरे सारे केले बिक चुके थे एंड भले ही मैंने लोगों को केले दिए एक बनाना कॉस्ट्यूम में, वो जो खुशी थी उनके मुंह पे वो मुझे काफी ज्यादा वर्थ इट लगी। एंड अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि बनाना स्टोर का क्या हुआ,